नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पीएससी की कोचिंग से लौट रही छात्रा से गैंग रेप के मामले ने राजधानी भोपाल की कानून व्यवस्था को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हों, लेकिन इस मामले में बरती गई लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। कोचिंग से लौट रही छात्रा से गैंग रेप के मुद्दे को लेकर आज महिला कांग्रेस ने जीआरपी थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरह संगीन मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आज जीआरपी थाने का हमने घेराव किया है हमारी महिला कांग्रेस के नेतृत्व में, और ये 24 घंटे का थाना रिपोर्ट नहीं मिल पाया। लड़की पीड़िता खुद आई, उसकी माँ आई, उसके पिताजी आए, जो कि पुलिस कर्मी है। जब पुलिस कर्मियों की बेटी के साथ ये हो रहा है तो बाकी का क्या होगा? शहर भोपाल में ये हो रहा है तो क्या होगा? गांव में क्या होगा? ये मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेंगे? कॉलेज और कोचिंग में जाने वाली बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है। इधर जीआरपी पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मामले में त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा नहीं है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी के पुलिस ने ही पकड़े हैं बाकी के आरोपियों को, क्योंकि उससे वो उसको दिख गया था, तो उससे वो उससे पुलिसकर्मी ही उसके माँ बाप भी जो है लापरवाही, जो अगर लापरवाही होगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और एक तो सब इंस्पेक्टर को एमपी नगर में सस्पेंड भी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि पीड़ित छात्रा के माता पिता दोनों ही पुलिस महकमे में काम करते हैं, उसके बाद भी 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखी गई और कार्रवाई की गई। इस पूरे वाकये ने पुलिस की कार्यप्रणाली को उजागर किया है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जा चुका है। देखना होगा कि संगीन मामले के बाद सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।